हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर माय सेल्फ श्रुति पाल पहली वीडियो में फ्रेंड्स हम जान चुके हैं कि मेमोरी क्या होती है एंड प्राइमरी मेमोरी क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है आज हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स यानी कि रैम क्या होती है एंड रोम क्या होती है प्राइमरी मेमोरी के जो होते हैं टू पार्ट्स होते हैं यानी कि रैम एंड रोम रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सिस मेमोरी रैम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी वैन पावर सप्लाई इज़ ऑफ़ एंड री स्टार्ट द लैपटॉप या फिर कंप्यूटर डेटा इज रिमूव्ड यानी कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है वॉलेटाइल का मतलब होता है जब आप अपना लैपटॉप यानी कि कंप्यूटर ऑफ कर दोगे या फिर रिस्टार्ट करोगे तो आपका डेटा जो है वो रिमूवड हो जाएगा रैम इज़ साइज़ बिग दैन रोम रैम जो साइज़ होती है वो रोम से बड़ी होती है द जॉब ऑफ रैम इज़ टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द सी पी यू रैम का जो काम होता है वो इन्फॉर्मेशन को सीफी यू तक ट्रांसफ़र करना होता है रैम इज़ स्पीड वेरी फास्ट रैम की जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो सेड दैट द मोर रैम यू हैव द मोर एक्सपेंसिव द लैपटॉप विल बी यानी कि रैम की स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होती है इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही महंगा हमारा डिवाइस होगा या फिर लैपटॉप हो गया कंप्यूटर या फिर फ़ोन यानी कि जितना रैम होगा उतना हमारे लिए बेटर है रैम डेटा कैन बी रीड रेज और मॉडिफ़ाई यानी कि रैम का जो डेटा है उसे हम रीड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं रेज कर सकते हैं यानी कि मिटा सकते हैं और मॉडिफ़ाई यानी कि चेंजेस उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं रैम्स इस्टोर इन जी बी रैम का जो डेटा होता है वो जी में स्टोर होता है इट इज़ अ टेम्प्रेरी मेमोरी ऑफ द कम्प्यूटर ये कंप्यूटर की एक टैंप्रेरी मेमोरी होती है रैम इज़ कॉस्टली यानी कि रैम जो होती है वो महंगी होती है रैम जो होती है वो टू टाइप्स की होती है डी रैम एंड एस रैम डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी अब जानेंगे हम रोम के बारे में रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वैन पावर सप्लाई इज ऑफ एंड री स्टार्ट द लैपटॉप डेटा इज़ नॉट रिमूव्ड रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जब आप अपना डिवाइस कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को ऑफ करोगे या फिर रिस्टार्ट करोगे तो आपका डिवाइस जो है ऑफ़ होगा तो उसमें से डेटा रिमूव्ड नहीं होगा एंड डेटा सेफ उसका डेटा जो है वो सेफ रहेगा रोम इज साइज स्मॉल दैन रैम रोम का जो साइज होता है वो रैम से छोटा होता है द जॉब ऑफ रोम इज़ टू सेव द डेटा परमानेंटली रोम का जो काम होता है वो डेटा को परमानेंटली सेव करना होता है वट एवर इंफॉर्मेशन यू यूज टू बाय द कंप्यूटर इज़ टेकन फ्रॉम दिस मेमोरी कंप्यूटर द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ की जाती है वह इस रोम से ही ली जाती है वट एवर एप्लीकेशन भी डाउनलोड म्यूज़िक डेटा फाइल गेम्स पी डी एफ़ इज़ फ्राम दिस वट एवर यानी कि जो भी हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं म्यूज़िक हो गया डेटा हो गया फाइल गेम्स वगैरह पी डी एफ़ जो भी हम डाउनलोड करते हैं वो इसी मेमोरी में सेव हो जाता है रोम इज़ स्लोवर दैन रैम रोम रोम uh, की जो स्पीड होती है वो स्लो है रैम से रोम डेटा कैन बी रीड ऑनली रोम का जो डेटा है उसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और रैम का जो डेटा है हम उसे रीड कर, कर, कर सकते हैं रेस कर सकते हैं एंड मॉडिफाइड कर सकते हैं रोम इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है कंप्यूटर की जो अगर आप अपना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो तो भी आपका डेटा डिलीट नहीं होगा क्योंकि वो परमानेंट स्टोर करता है रोम इस चीपर रोम जो है वो सस्ती होती है रैम से रोम के जो पार्ट्स होते हैं वो फाइव पार्ट्स हैं पी आर ओ एम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी ई पी आर ओ एम इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी ई ई पी आर ओ एम इलेक्ट्रिकली इरेजल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी एम आर ओ एम मास्क रीड ऑनली मेमोरी ई ए आर ओ एम इलेक्ट्रिकली अल्ट्रेबल रीड ऑनली मेमोरी